बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद नसीन। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आज एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ कुछ रेसिपी, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स कर दीजिए। मैं आज बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी जूस। स्ट्रॉबेरी मैंने पहले शेक तो दिया था आप लोगों को, डाला है चैनल पर, लेकिन स्ट्रॉबेरी जूस आज बना रही हूँ। स्ट्रॉबेरी आई हुई थी घर में, बच्चे इतना नहीं खाते तो मैंने कहा चले जूस बना लेते हैं। और बहुत कम चीज़ें डलेंगी इसमें, सिर्फ स्ट्रॉबेरी है, बर्फ़ है, चीनी है, और ये पानी रखा हुआ है मैंने, ये डालेंगे और बनाते हैं। बहुत ही रिफ़्रेशिंग जूस बनेगा, बहुत हेल्दी, बच्चे बड़ों के लिए, सेहत के लिए बहुत हेल्दी है, और टेस्ट में ही बहुत ही मज़ेदार बनेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हमने ले लिया एक ये जार, ग्राइंडर जार ले लिया है, जूसर जग, इसमें डाल दिए स्ट्रॉबेरी। एक प्यारी स्ट्रॉबेरी थी मेरे पास, और 3 से 4 चम्मच टेबल स्पून चीनी है। आप कम मीठा डालना चाहें तो कम डालें, ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा डाल दें, आप अपने हिसाब से डालिए। और ये एक प्यारी मैंने बर्फ़ ले ली है, और पानी डाल दूँगी 1.5 गिलास। चलें इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए बन गया जूस हमारा, बहुत ही मज़ेदार सा जूस बनाया है मैंने। और गिलास में मैंने थोड़ी सी चीनी रख के उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन लगा लें, या गिलास थोड़ा सा गीला होगा तो वो लग जाएगी चीनी। किनारों पे चीनी लगा ली मैंने थोड़ी सी, प्रेस कर दी चीनी के ऊपर ना गिलास, तो इस तरह से थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में भी। ये देखिए और कितने मज़े का जूस बना है। अब गर्मी आ रही है, गर्मियों में तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा, बहुत टेस्टी, और बच्चों को बड़ों को बहुत ही गर्मी, क्योंकि गर्मी में बाहर से आएंगे और उसके बाद ये स्ट्रॉबेरी जूस आप पिए, बहुत ठंडक पहुँचाएगा आप लोगों को। कैसा लगा जूस मेरा आज का ये बन, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मेरी दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। पसंद आई हो और हो तो रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, वीडियो व्लॉग वगैरह मेरे कैसे लग रहे हैं। किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। आज ये छोटी सी रेसिपी लेकर आई थी मैं, इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी के साथ, वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।